हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल मीनू ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बिना लहसुन प्याज के ये काबुली चने बनाना सिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने रात को चने भिगो दिए थे। अब मैं इसको थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के उबाल लेंगी और सीटी दिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ दो टमाटर लिए हैं, इनको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। इसके बाद यहाँ मैंने छोले भी उबाल लिए हैं। एक कढ़ाई में तेल डाला, उसमें मैंने राई, जीरा और हींग डाली है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है। इसके बाद मैंने जो टमाटर पीसा था वो डाला है। टमाटर को अच्छी तरह हम भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हम एक चम्मच बेसन डालेंगे और इसको अच्छी तरह पकने देंगे। जब हमारा बेसन भून जाए, टमाटर रंग छोड़ दे, तब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे और इसको एक मिनट के लिए भूनेंगे। फिर इसमें हम अपने मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, नमक और लाल मिर्च डालकर इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसको और एक मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम अपने उबले हुए चने डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिला लेंगे और इसको अच्छी तरह उबलने देंगे। उबलने के बाद देखिए हमारे फ्रेंड्स छोले बनकर तैयार हो गए। इसमें हमारा धनिया काट कर डाल देंगे। हमारे छोले बनकर तैयार हो गए। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कैसे लगा। थैंक यू।